वेलकम टू माय न्यू अनदर व्लॉग। तो गाइस आज मैं 7 बजे नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ, तो आप भी सोच रहे होंगे क्यों नमाज़ पढ़ने जा रहा है। तो गाइस कल चांद रात थी और फाइनली आज ईद है। तो गाइस आज फाइनली ईद है, आज धूप बहुत निकली हुई है, तो आज मैं नमाज़ पे चलता हूँ, तो आप चलते हैं नमाज। चलिए आप हमारे कज़न के और बकरे बैल हैं वो भी आपको दिखा देंगे। चले हम आप सबको भी ईद मुबारक हो, और कमेंट में ज़रूर खैर मुबारक लिखिएगा आप ताकि मेरे कमेंट बढ़ें। उस नहीं आया, देर कर रहा है, तो मैं बस नमाज़ पे जा रहा हूँ। तो आपको आवाज़ आ रही होगी, नमाज़ शुरू हो रही है, बस जल्दी से चलते हैं, तो फिर आपको आगे की वीडियो में आगे दिखाता हूँ। तो नमाज़ पढ़ लूँगा जल्दी से, आपको आगे की वीडियो दिखाता हूँ, तो अंदर चल के दिखाता हूँ। पहली मैंने नमाज़ पढ़ ली है, तो मैं पहली जमात में नमाज़ पढ़ के आ गया। अभी मेरे कज़न्स और मेरे अबू सब ये क्या कहते हैं पहले दूसरी जमात में नमाज़ पढ़ने गए, तो फिर अपना मुझे बहुत भूख लग रही है, नाश्ता भी रहा नहीं जाता, तो नाश्ते की जगह सोच रहा हूँ गोश्त खाऊँ नहीं। सबसे पहले आपको व्लॉग बनाऊँ, मैं गोश्त बांटने के लिए निकला अपने कज़न्स में। तो गाइस ये एक शॉपर है, तो मैं ये देख के आता हूँ अपने कज़न के घर, तो आपको भी दिखाता हूँ। तो हम फटाफट से चलते हैं अपने कज़न के घर, तो गोश्त दे के आते हैं, गोश्त गाइस फटाफट से चलते हैं। घर वाले बोल रहे हैं यहाँ देख के आओ गोश्त, वहाँ देख के आओ, तो व्लॉग बनाना ही मुश्किल हो रहा है थोड़ा। तो बस आप ये एक दिखाता हूँ कज़न के घर देख के आता हूँ, फिर बाकी सब के देख के आके, तो फिर वाटर पार्क जाएंगे। कल वाटर पार्क का व्लॉग डालूंगा मैं, आपने उसको भी लाइक करना है। सुनसान हुआ है, ईद है, लग ही नहीं रहा है कि ईद है आज, ईद का पहला दिन है। तो फिर कल को वाटर पार्क जाएंगे हम, और परसों को फिर अपने बेस्ट फ्रेंड्स के साथ जाएंगे, उनसे मैं आपको मिलाऊँगा, पहली बार व्लॉग में आएंगे। कुछ दे दिया है तो हम दोबारा घर चलते हैं, कहीं और देख के आते हैं। अभी बहुत जगह जाना है, बहुत जगह देना है कोई सबने, तो हम जल्दी जल्दी चलते हैं। इसे घर पे चलते हैं, तो फिर अब घर आ गया है तो हम अंदर चलते हैं, तो फिर बाकी और जगह देख के आता हूँ। गोश्त पसीना बहुत आ रहा है, गर्मी है। गाइस मम्मा ने कहा कि कोरोना मसाला और कलेजी का मसाला और दी बोल कोरोना मसाला बिरयानी मसाला भी लेके आना। तो ये मेरा कज़न है छोटा अलीजामिन, तो उसको मैं घर छोड़ता हूँ, मामू का बेटा है, तो फिर मैं कोरोना मसाला लेके आता हूँ, तो आप हमारे साथ चलें, मैं आपको मार्केट भी दिखाता हूँ। मार्केट पहुँचने वाले हैं, तो वहाँ पर हम शॉप पर चल के लेते हैं कोरोना मसाला, और मसाले भी आपको भी दिखाता हूँ, ले कर चलते हैं। आज बड़ा मज़ा आएगा, घर में खाने बनेंगे अच्छे अच्छे। आ गए, मार्केट बंद हुई हुई है सारी, तो देखते हैं, ये भी शॉप खुली है सामने, तो गाय ये देखें, गाय जी शॉप है सामने, इससे लेते हैं। बिरयानी मसाला मिला है खाली, ये देखें, और कोरोना मसाला मैं ले गया था, कलेजी का मिला ही नहीं मसाला, बोल रहा था कि होता ही नहीं है मसाला, तो अब घर पर चलते हैं, खाना बनेगा। यार बड़ी गर्मी हो रही है, चलते हैं घर पे। तो रात बाल भी कटवाए थे, तो रोड पे बड़ा रश हो रहा था, तो इसलिए व्लॉग नहीं बना पाया, तो मैंने कहा कि व्लॉग मज़ा नहीं आता देखने। आए हुए हैं तो उनसे आपको मिलवाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सैफ अली, कैसे हो? आमीन मुबारक। और कैसे हो? ये पता नहीं वेस्ट इंडीज पता नहीं कहाँ से आया, लग रहा है नाली में आ गया कहीं से। आज का ईद का पहला दिन है, तो अगर आपको ब्लॉग पसंद आए तो आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और पसंद आए तो लाइक मारो यार। मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए।